this election is about those who are trying to destroy the Constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the Constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for 2 or 3 large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. I don't think democracy has been as much at risk, the Constitution has been as much at risk as it is today. ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। मेरा सवाल राहुल जी आपसे है। राहुल जी, सवाल आपसे ये है कि 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई थी, आपने एक बयान दिया था और आपने ये कहा था कि देखते जाइए धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं देश पे, उस पे आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि हो चुका है और आप कह रहे हैं कि हम कानून भी लाएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता राहुल जी कि ये जब आप करेंगे तब बीजेपी आपके ऊपर ये आरोप लगाएगी कि चूंकि केसेस जो है या पूछताछ विपक्ष के नेताओं से ज़्यादा हुई, इसलिए ये प्रतिक्रिया में लाया गया रिएक्शनरी लॉज अमेंडमेंट होंगे? ये सबसे पहले ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। आरएसएस ने और बीजेपी ने और ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग, एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खारगे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज़ है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा का सारा इंफॉर्मेशन किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में, सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल जी आपने मुझे याद है कहा था, यू वर कन्विंस दैट टाइम कि मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी का वक्त ख़त्म हो गया है। ऐसा हुआ नहीं, होता है राजनीति में। इस दफ़ा नरेंद्र मोदी को आप कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती मानते हैं सर 2024 के चुनाव में? देखिए, 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच, क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं के सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अडानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। थैंक यू। राहुल जी, 2009 में आपको भी याद होगा, उस वक्त मैनिफेस्टो में 2 तस्वीरें थीं, मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी जी की। पूछा गया था पीएम कैंडिडेट कौन होगा, सोनिया जी ने अपनी तस्वीर छुपा ली थी। आज 2 तस्वीरें हैं, राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की। कोई तस्वीर छुपाएंगे, कोई दिखाएंगे? नहीं, ये आप बड़े डिस्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पूछते हो। देखिए, इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। वनकम, साउथ इंडिया माइक इज नॉट ऑन ब्रदर, बट यू हैव अ वेरी स्ट्रांग वॉइस, यू कैन स्पीक विदाउट द माइक। सर वनकम। Vanakkam. Venkataraman from Dinamalar, from Tamil Nadu. Advance congratulations to the Congress party, which has, due to this serious campaign by the DMK party and Congress leaders, you are going to get 10 out of 10 seats from Tamil Nadu in the forthcoming parliament election. Do you think the same trend will you expect from the across the country? Well, you know, I'm not a soothsayer. Unlike many political commentators, I can't predict the future. But what I'm confident of is that this is a much closer election than is being propagated by the media. It is a close election, and we are going to fight an excellent election, and we are going to win the election. Thank you. Please do remember, one thing. Please do remember that there was a similar feeling being generated by the press when Mr. Vajpayee was Prime Minister. There was the India Shining campaign. So we have a similar idea being propagated. India Shining with 2-3 new dimensions. International dimension. All sorts of new dimensions. Full support by the monopolists in the country. But do remember what happened to the India Shining campaign. And do remember who won that campaign. Thank you.